हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भाई कि अपने फ़ोन में ऐप्स का फोल्डर कैसे बना सकते हैं। अगर आपको फोल्डर बनाना नहीं आता है भाई ऐप्स का और किस काम आता है, तो आज आपको बता देंगे क्या होता है फोल्डर और किस काम आता है और क्या आप यूज़ कर सकते हो फोल्डर का। तो चलिए भाई कर लेते हैं फ़ोन को अनलॉक और देखते हैं फोल्डर कैसे बनाते हैं। तो फोल्डर का मतलब क्या होता है भाई, देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ से एक ऐप को लेता हूँ, ठीक है, इस ऐप को यहाँ से ऐसे करता हूँ और इसको इसके अंदर यहाँ घुसा देते हैं। अब ये देखिए, अभी दोबारा आपको दिखाता हूँ फोल्डर, यहाँ से इसमें से ऐप को पहले निकाल लेता हूँ बाहर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जियो सावन ऐप है, ठीक है, यहाँ पे जियो सावन लिखा हुआ है। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से यूट्यूब को पकड़ूंगा और यहाँ से ले जाकर इसके अंदर घुसाएंगे, ये देखिए भाई यहाँ पे हो चुका है फोल्डर। तो इसको बोलते हैं भाई ऐप्स का फोल्डर। इस तरीके से भाई आप इसमें क्या होता है, आपके फ़ोन में बहुत सारी ऐप्स हो जाती है ना, तो क्या होता है कि आप उसे भाई एक पेज पे पूरी आप रखना चाहते हो ऐप्स, आप एक पेज पे आती नहीं है वरना आपको दूसरे पेज बनाने पड़ेंगे, पर आपका मन है कि भाई एक ही पेज पे सारी ऐप्स आ जाएं। तो इस तरीके से भाई ये देखो मैं सारी ऐप्स को इसके अंदर घुसा दूंगा और आपका पूरा जो है फ़ोन स्क्रीन खाली हो जाएगा। आप जितनी चाहें ऐप भाई इसके अंदर, देख कितनी हो चुकी हैं, 1, 2, 6, 7, 8 ऐप आ चुकी हैं और ये देखो भाई 9 ऐप्स तो आपको दिखती रहेंगी। आप इसके बाद भी भाई देखो इसमें और भी घुसा सकते हैं, ये देखो भाई सारी ऐप्स इसके अंदर आ जाएंगी और आपका एक ही फोल्डर हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब आपकी सारी ऐप्स देखो इसके अंदर है, यहाँ पे और बाकी कुछ नहीं दिख रहा। जब भी आपको फ़ोन को इसको ओपन करना है, देखिए सारी ऐप्स यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। ये आ गई आपकी सारी ऐप्स, ठीक है। इसके अंदर देखो कितनी ऐप्स हैं, 3, 2, 6, 3, 9, ठीक है, 12 ऐप्स इसके अंदर आ चुकी हैं, 4, ठीक है। और आप क्या करते हो, उसका नाम भी चेंज कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे ना, जैसे फोल्डर लिखा हुआ है तो ये इसको यहाँ से कर दो। आप यहाँ पर सोशल मीडिया भी लिख सकते हो भाई, सोशल, ठीक है, मीडिया, जो भी आपका जो भी मन में नाम आए ना, देखो वो आप चेंज कर सकते हो। मैं क्लिक कर दूंगा, अब यहाँ से बैक चलूंगा, सोशल मी आ गया, ठीक है। तो जो भी आप इसका नाम करना चाहें यहाँ से आप इसका नाम भी कर सकते हैं और जितनी चाहें ऐप भाई अपने फ़ोन में डाउनलोड करो और आप इस फोल्डर के अंदर उन ऐप को सेव कर सकते हो, ठीक है, फोल्डर दबाना हो। तो इस तरीके से भाई देखो फोन कितना मस्त लग रहा है, सारी ऐप्स हो चुकी हैं गायब। तो इस तरीके से भाई फ़ोन में फोल्डर बना सकते हो और भाई आपको अच्छा लगे या नहीं लगे ये आपको जब बना लोगे तब पता लगेगा भाई कि अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। अपने फ़ोन में करके देख लेना एक बार, ठीक है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।